हेलो फ्रेंड्स, नैप्स की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमने बनाया है ब्रोकोली की सब्जी। तो ये देखिए, ब्रोकोली और आलू हमने धो के अच्छे से कट कर लिए हैं, क्योंकि हम इसको आलू के साथ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे कढ़ाई को गरम। उसमें डाला है 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें हम ब्रोकोली को फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। और वापस से उसी कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और जीरा को क्रैकल होने देंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, कटे हुए प्याज हम इसमें डालेंगे। और लहसुन हमने 7-8 कलियाँ ही यूज़ करी हैं। थोड़ा सा उसको हमने ऐसे ही दबा लिया था, प्रेस कर लिया था। और ये थोड़ा सा 1-2 मिनट तक इसको हम नॉर्मल फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक का भी पेस्ट। ये ग्रेटेड अदरक है। एक्चुअली अदरक को हमने ग्रेट किया है। इसको भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। और 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही टमाटर हल्का फ्राई हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच ही जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर और लाल मिर्च हमने डाला है 1/4 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च को यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मसाले को भी हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले को हमें फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। मसाले भी देखिए फ्राई हो गए हैं, साइड से तेल निकल रहा है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने ब्रोकली फ्राई करे हुए। तो ब्रोकली अब डाल दिया है और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। और साथ ही थोड़े से मटर थे तो मम्मा ने मटर भी डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे 1 प्लेट से 5 मिनट तक के लिए, ताकि ये गल जाए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए प्लेट हटाकर देखते हैं। ये देखिए, अब हमें ऐसे ही खुले में रख के इसको और 5 मिनट्स तक और पकाना है। करछी को हिलाते रहना है, चलाते रहना है और फ्राई कर लेना है 5 मिनट्स। और ये देखिए, गल गई है सब्जी। आलू भी गल चुका है और गोभी भी गल चुका है। तो हम ओपन में ही ऐसे ही पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये सब्जी पक चुकी है। और अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और धनिया पत्ता। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी। और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये फाइनली ये सब्जी बनके तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक बारी ट्राई भी कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।